Hello everyone, good morning and welcome back to the 247. My name is Sonu and this is our daily current affairs show. So, आज के शो में हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट MCQs के बारे में जो आपके सैटरडे एंड संडे से रिलेटेड हैं. सो यहाँ पर जितने भी लोग ऑनलाइन आ चुके हैं आप यहाँ पर सेशन को लाइक कर सकते हैं, सेशन को शेयर कर सकते हैं. सो आज के जो हमारा मॉर्निंग कोट है वो है, ईच मॉर्निंग वी आर बोर्न अगेन, वट वी डू टूडे इज वॉट मैटर्स द मोस्ट. ओके, सो टेक एवरी डे इज अ न्यू डे. आपको हर एक डे को एक नए दिन की तरह लेना, एक नई शुरुआत की तरह लेना है और आज के दिन को आप जैसे स्पेंड करने वाले हो वो सबसे ज़्यादा मैटर करने वाला है. डजंट मैटर अगर आप अपना कल 100%, आप यस्टरडे अपना 100% नहीं दे पाए थे, बट ट्राई टू गिव योर मोर देन दैट. ओके, सो आप कोशिश करो जितना आपने कल पढ़ाई किया था, जितना कल मेहनत किया था, उससे कुछ ज़्यादा करो आज के दिन में. ओके, सो एवरी डे शुड बी अ न्यू डे फॉर यू और अपने हर दिन को ढंग से आपको स्पेंड करना है. तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से. सो दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, हु हैज बीन स्वॉन इन एज द यूक्रेन न्यू प्रेसिडेंट. यूक्रेन के नए प्रेसिडेंट के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है. ए बी सी डी ऑप्शन में से यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर है. देखिए अभी इस टाइम पे जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, पेट्रो पोरोशेंको है. ठीक है, तो ये इस टाइम पे प्रेसिडेंट है, लेकिन इनकी जगह पे जो प्रेसिडेंट बनने वाले हैं वो एक कॉमेडियन है और उनका क्या नाम है, वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की. यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर हियर. ये आपको यहाँ पर याद रख लेना है, इनका नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए. अगेन आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि वो क्या है, एक कॉमेडियन रह चुके हैं, उनका इमेज भी देख सकते हैं. तो ये कौन है, वोलोदिमीर है, ये हमें यहाँ पर पता होना चाहिए था. अब देखिए आपसे क्या पूछा जा सकता है, आपसे यूक्रेन की कैपिटल और करेंसी भी पूछी जा सकती है. यूक्रेन की जो कैपिटल है वो क्यू है, एंड करेंसी इज रिवेनिया. ओके, सो यूक्रेन की जो कैपिटल एंड करेंसी है वो ये है, यूक्रेन की कैपिटल क्यू बता देंगे एंड करेंसी रिवेनिया बता देंगे. प्रेसिडेंट कौन है, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की. वो कौन से प्रेसिडेंट बन गए हैं, ही इज द सिक्स्थ प्रेसिडेंट. ठीक है, वो सिक्स्थ प्रेसिडेंट बने हैं. सो यहाँ पर एक और न्यूज़ में चल रहा था, अभी यूनाइटेड नेशंस ने रशिया को ऑर्डर किया है कि जो उसने यूक्रेन के सेलर्स को वहाँ पर कैद करके रखा था वो उसको रिलीज़ कर दिए. तो यूनाइटेड नेशंस, रशिया और यूक्रेन से रिलेटेड ये न्यूज़ भी आपको पता होना चाहिए. सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. दिस इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक ऑपरेशन एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, इंडियन इकोनॉमी विल ग्रो बाई वट परसेंट बाई 2020. आपसे यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है OECD रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है वो 2020 तक कितना परसेंट ग्रो कर चुकी होगी. सो ABCD ऑप्शन में से यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर हो सकता है. अगेन वन मोर क्वेश्चन फॉर यू, आपको यहाँ पर बताना है कि OECD जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है. सो यहाँ पर अगर आप करेक्ट आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हियर, दैट इज 7.5%. आपको यहां पर याद रख लेना है OECD का हेडक्वार्टर कहां पर है, पेरिस फ्रांस में है. ओके, अगर आपसे पूछा जाए 2019 के लिए उन्होंने कितना परसेंट रिपोर्ट निकाला है, 7.25% जो एस्टिमेशन किया था उन्होंने वो किसके लिए किया था, 2019 के लिए किया था, और 7.5% जो किया है वो 2020 के लिए किया है. ओके, सो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी. आपसे प्रेसिडेंट पूछे जाएंगे तो आप क्या बता देंगे, एंजल गुड़िया जो है वो क्या है, प्रेसिडेंट है, कहाँ के प्रेसिडेंट है, OECD के प्रेसिडेंट है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, पेरिस फ्रांस में है. सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. चांजी चितेती कॉन्फर्ड विद द 2019 यूनाइटेड नेशंस हाईएस्ट पीस कीपिंग अवार्ड, ही वॉज फ्रॉम विच कंट्री. यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते थे. देखो उनकी डेथ हो चुकी है और उसके बाद उनको ये यूनाइटेड नेशन का पीस कीपिंग अवार्ड दिया गया था. क्वेश्चन आपसे उनका कंट्री पूछा जा रहा है, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मलावी. तो वो कौन से बिलोंग करते थे, मलावी से वो बिलोंग करते थे. यहाँ पर हम उनका इमेज भी देख सकते हैं. सो ये जो इमेज है वो किसका है, चांसी चितेते का है, जो मलावी से बिलोंग करते थे. अब क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है कि नाइजीरिया की कैपिटल एंड करेंसी क्या है. तो नाइजीरिया की जो कैपिटल एंड करेंसी है वो अबूजा और नायरा है, लेकिन मलावी के अगर आपसे कैपिटल पूछा जाएगा, क्योंकि मलावी से ही ये बिलोंग करते हैं, तो मलावी की जो कैपिटल है वो क्या है, लिलोंगवे है, एंड द करेंसी इज अगेन क्वाचा. नाइजीरिया से जो आपको याद रख लेना था वो अबूजा और नायरा याद रख लेना था. ओके, सो आई होप ये चीज़ आपको यहाँ पर अच्छे से क्लियर हो गई होगी. देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. ओके, सो यहाँ पर आपको ये कैपिटल एंड करेंसीज जो हैं वो सारे मैंने यहाँ पर लिख भी दिए हैं आपके लिए. नाइजीरिया बूजा नायरा, मलावी लिलोंगवे क्वाचा, जाम्बिया लुसाका क्वाचा, एंड द इजिप्ट कैरो पाउंड. ये चारों आपको यहाँ पर याद रख लेने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा.
Which bank has launched the Corp SME सुविधा for micro, small, medium enterprises? ठीक है, तो MSME की जो लिए है ये Corp SME सुविधा जो है वो कौन प्रोवाइड करने वाला है, कौन सा बैंक यहाँ पर प्रोवाइड करने वाला है, ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है. सो यहाँ पर देखिए हमारे जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर ई विल बी द करेक्ट आंसर हियर, दैट इज कॉरपोरेशन बैंक. कॉरपोरेशन बैंक जो है उसने ये स्कीम यहाँ पर लॉन्च की है. यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि कॉरपोरेशन बैंक जो है उसके एमडी कौन है, तो पीवी भारती इज द एमडी ऑफ व्हाट कॉरपोरेशन बैंक. आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि कॉरपोरेशन बैंक जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17 मई ऑब्जर्व एज अ वर्ल्ड हाइपर टेंशन डे एवरी ईयर. हर साल 17 मई जो है उसको कैसे मनाया जाता है, कैसे ऑब्जर्व किया जाता है, एज हाइपर टेंशन डे यानी हाई ब्लड प्रेशर डे मनाया जाता है. सो इस बार का जो थीम रहा था वो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है क्या उसका थीम रहा था. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज नो योर नंबर्स, यानी आपका जो ब्लड प्रेशर में जो आपका नंबर है वो आपको पता होना चाहिए. सो द नो योर नंबर वॉज द थीम ऑफ हाइपरटेंशन डे. अब हाइपरटेंशन डे जो होता है वो हाई ब्लड प्रेशर के रिगार्डिंग अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए मनाया जाता है. सो यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन इसको मनाती है वो भी आपसे पूछा जा सकता है. सो जो ऑर्गेनाइजेशन इसको मनाती है वो कौन सी है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके जो हेड है उनका क्या नाम है, टेड्रोस एडेनोम है, और हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है. सो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए थी. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हु एड्रेस द 17th सेरेमनी ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज, दैट इज BSF इन न्यू दिल्ली. जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनकी 17th जो मीटिंग हुई है वो न्यू दिल्ली में हुई थी, वेन्यू न्यू दिल्ली था, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है उसको एड्रेस किसने किया. सो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं. हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कौन है, अजीत डोवल हैं. सो मिस्टर अजीत डोवल जो है उन्होंने इसको एड्रेस किया था. आपको ये पता होना चाहिए वो क्या है, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं. यहाँ पर हम उनका इमेज भी देख सकते हैं, ये इमेज जो है उनका है. आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पर कि BSF जो है, BSF की हेड कौन है. सो अगर आपसे BSF की हेड पूछा जाएगा तो आपको बताना है रजनीकांत. ओके, सो रजनीकांत कहाँ के हेड हैं, BSF के हेड हैं. BSF का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है. ओके, यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है एक और क्वेश्चन SSB से रिलेटेड, दैट इज सशस्त्र सीमा बल. सशस्त्र सीमा बल के अगर आपसे हेड पूछा जाएंगे तो आप क्या बता देंगे, SS देशवाल जो है वो हेड हैं किसके, सशस्त्र सीमा बल के. सो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज अ नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा. ओडिशा की नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर यहाँ पर कौन बन गए हैं, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है. देखो ये जो भी बने हैं वो 5th कॉन्जिक्यूटिव टर्म है उनका, यानी 5वीं बार वो लगातार बन गए हैं ओडिशा के चीफ मिनिस्टर. और वो कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं, बीजू जनता पार्टी से यहाँ पर बिलोंग करते हैं, दैट इज़ BJD. उनका क्या नाम है, उनका नाम है नवीन पटनायक. ओके, सो नवीन पटनायक जी हैं वो क्या बन गए हैं, चीफ मिनिस्टर बन गए हैं ओडिशा के. वहाँ के गवर्नर का क्या नाम है, गणेशी लाल है. सो यहाँ पर आप ऑब्वियसली उनका उन सबको उनको सब ही जानते होंगे, उनका यहाँ पर आप इमेज भी देख सकते हैं. आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है कि ओडिशा दिवस या उत्कल दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो आप यहाँ पर क्या आंसर करके आएंगे, 1 अप्रैल जो है वो कैसे मनाया जाता है, उत्कल दिवस या फिर ओडिशा डे मनाया जाता है उस दिन. ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी मेडल्स हैज़ बिन वन बाई इंडिया ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट. इंडिया ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट जो है जो कहाँ पर हुआ था, गुवाहाटी में हुआ था, उसमें इंडिया ने कितने मेडल जीत लिए हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है. उसमें से जो गोल्ड मेडल जीते थे उसमें से एक मेडल किसने जीता, MC मैरीकॉम ने भी जीता है. यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो 57 है. आपसे पूछा जा सकता है कितने गोल्ड मेडल थे, तो 12 जो थे वो गोल्ड मेडल्स थे. यहाँ पर 18 हमारे सिल्वर मेडल्स जीते गए और 27 क्या थे, ब्रॉन्ज मेडल्स थे. यानी टोटल जो मेडल्स थे वो 57 थे. वेन्यू क्या था, गुवाहाटी इसका वेन्यू रहा था. आप यहाँ पर इसका इमेज भी देख सकते हैं, 20 से 24 मई तक चला था गुवाहाटी इंडिया में. ओके, सो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेम द प्राइम मिनिस्टर, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हु हैज़ रिजाइन रिसेंटली. आपको यहाँ पर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर का नाम बताना है जिन्होंने अभी अभी अपना रेजिग्नेशन दे दिया है. सो ABCD ऑप्शन में से यहाँ पर हमारा क्या करेक्ट आंसर है, उनका नाम क्या है, थेरेसा मे है, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर हियर. ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए. सो दिस इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके एक बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन है. बैंक अगर कोई भी फॉरेन बैंक हमारे इंडिया में इन्वेस्टमेंट करता है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली पूछा जा सकता है. तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि विच बैंक विल प्रोवाइड द USG
750 मिलियन लोन किस चीज़ के लिए? फॉर रेलवे ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन। इंडिया में आपको पता हो रेलवे ट्रैक जो होते हैं उन सारे रेलवे ट्रैक्स को इलेक्ट्रीफाइड किया जा रहा है यहाँ पर, तो उसके लिए जो इन्वेस्टमेंट आ रही है वो कौन से बैंक से आ रही है? 750 मिलियन के आपसे अमाउंट भी पूछा जा सकता है। सो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, दैट इज़ ADB। ADB का हेडक्वार्टर जो है वन वो मनीला फिलीपींस में है, और इसके जो हेड है उनका नाम क्या है? टैकेहिको नकाओ है। सो टैकेहिको नकाओ जो है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक के क्या हैं यहाँ पर हेड हैं। देखिए आज हमारा 4 PM पर एक क्लास होने वाला है बैंकिंग अवेयरनेस का, जिसमें हम चेक्स के बारे में, इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट्स के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट सेशन फॉर यू, तो सेशन भी आपको यहाँ पर देखना है और मिस नहीं करना है। 4 PM का टाइम मेरे लिए सेव करके रख लेना, ओके। सो यहाँ पर देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है विच डे इज ऑब्जर्व एज अ इंटरनेशनल मिशिंग चिल्ड्रंस डे। इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे जो है वो किस दिन मनाया जाता है, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो ये जो ऑब्जर्व किया जाता है ये 25 मई को ऑब्जर्व किया जाता है, ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। सो इसे जो आप याद रख लेंगे वो क्या है, 25 मई है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पर ये डे आप याद रख लेंगे। यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था कि राजेंद्र मेनन है, जस्टिस राजेंद्र मेनन है, वो कहाँ के चीफ जस्टिस हैं? दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। लेकिन आपको वो डाटा अभी चेंज कर लेना है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन लेकर आई हूँ, क्योंकि अभी वहाँ पर नया अपॉइंटमेंट हो गया है। सो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज अ चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं वो कौन बन गए हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ABCD ऑप्शन में से यहाँ पर हमारा क्या करेक्ट आंसर है? तो देखिए यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ जस्टिस DN पटेल। सो जस्टिस DN पटेल जो हैं वो क्या बन गए हैं, चीफ जस्टिस हैं वो दिल्ली हाई कोर्ट के। उन्होंने जो रिप्लेस किया है वो राजेंद्र मेनन को रिप्लेस कर दिया है। सो आज के सेशन में हमने टोटल 12 क्वेश्चंस किए हैं। यहाँ पर आपने कितने क्वेश्चंस ठीक किए हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, एंड आई जस्ट होप कि आप वो 4 PM वाला सेशन देखने भी जरूर आएंगी। दैट विल बी अ लाइव सेशन जिसमें मैं आपको बोर्ड पर पढ़ाने वाली हूँ। सो देर विल बी नो इशू, लाइक आप यहाँ पर बोल रहे होंगे कि PPT पर क्यों पढ़ा रहे हो, बट देर इज सम इशू हियर, बट वहाँ पर जो क्लास होने वाली है वो किस पर होने वाली है, वो बोर्ड पर होगी। सो देर विल बी नो issue and keep preparing, keep working hard, good luck।